तो दोस्तों फाइनली मैं देख के आ चुका हूँ तू झूठी मैं मक्कार मूवी। और कैसी है मूवी? आपका टाइम बर्बाद होगा या वसूल होगा? आपके पैसे बर्बाद होंगे वसूल होंगे? सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, तो बने रहना वीडियो के एंड तक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब यार देखो, ये मूवी जब मैं देख रहा था तो यार देखते देखते मेरे माइंड में एक बात रियलाइज हुई कि यार मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, वो भी झूठी टाइप की। अब यार झूठी हो या सच्ची हो, यार गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी। और इस फिल्म का असली मजा गर्लफ्रेंड के साथ देखने का ही है, क्योंकि यार देखो पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जो ट्रेलर मैंने रिव्यू बनाया था उसमें भी बोल चुका हूँ, और मुझे लग ही रहा था कि ये फिल्म कंपलसरी यूथ और कपल्स के लिए बनाई गई है। हाँ, फैमिली के साथ भी एंटरटेन कर सकते हो इस मूवी को, बस कुछ सीन्स बोल्ड वाले और किसिंग सीन है, इतना सब कुछ चल जाता है। लेकिन जो असली मजा है इस मूवी का देखने का, वो गर्लफ्रेंड के साथ ही आने वाला है। तो जो कपल्स लोग हैं उनको ये मूवी काफी पसंद आने वाली है। तो यार देखो मूवी की स्टोरी कुछ इस टाइप से है, जैसे कि ट्रेलर में सब आइडिया लगा ही लेते हैं कि रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर दोनों आपस में प्यार प्यार खेलते हैं, और दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं कि हाँ मैं तेरे लिए मर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन अंदर से उनकी फीलिंग कुछ और होती है। अब कुछ और होते होते उनकी बात पहुंच जाती है आगे तक। रणवीर कपूर सोचता है कि यार मैं श्रद्धा कपूर से ना बोलूं जिससे कि मैं बुरा बन जाऊं, और श्रद्धा कपूर भी सेम यही सोचती है और बात आगे पहुंचती रहती है। लेकिन आगे क्या होता है वो बाकी में देखने लायक है। अब यार देखो लव रंजन जो फिल्म की कहानी लिखते हैं, लव स्टोरी के साथ जो ऐसा खेल जाते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार उनके साथ भी कोई ना कोई लड़की खेल के जा चुकी है। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फिल्म बाकी में देखने लायक है और काफी एंटरटेन करने वाली है ये फिल्म सभी को। और बात करें श्रद्धा कपूर की, ओ माय गॉड यार क्या लग रही है बंदी यार, और क्या लग रही है, मतलब यार थक चुके थे ऑडियंस उनको स्ट्रीट डांसर या ABCD 2 में काम करते करते देखकर। तो ये होता है यार उनका असली परफॉर्मेंस। अगर ऐसा असली परफॉर्मेंस है तो इनको हर फिल्म ऐसी ही करनी चाहिए। और रणवीर कपूर चॉकलेटी बॉय में भाई साहब खा लिया उन्होंने यार, मतलब चॉकलेट समझ के सबको खा रहे हैं वो, ऐसी एक्टिंग है उनकी, मतलब दोनों जहाँ पे साथ में आ रहे हैं स्क्रीन पर वहाँ पर आग ही लग रही है। थिएटर में फुल एसी थी लेकिन फिर भी गर्मी महसूस हो रही थी दोनों को देखकर। और कॉमेडी पंचेस भी बेहतरीन है और आपको हंसी भी आएगी, और कहीं कहीं इमोशनल टच भी दिया गया है इस फिल्म में। तो मतलब कंप्लीट मिला के देखा जाए तो यार एक बिल्कुल एंटरटेनमेंट पैकेज है, और हर कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी में। सॉन्ग्स वगैरह सब अच्छे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, लोकेशंस अच्छे लिए गए हैं, डायलॉग्स वगैरह जो कैरेक्टर की एक्टिंग है वो सब बेहतरीन तरीके से परफेक्ट तरीके से दिखाया है लव रंजन ने तू झूठी मैं मक्कार मूवी में। तो देखो भाइयों ये फिल्म चलने वाली है आगे तक और अच्छा खासा पैसा कमा के जाएगी, ये मेरा मानना है। और अगर मैं इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं, दिस इज फायर, मतलब पागलपन है यार, और आपको पागल करके निकल जाएगी। और मैं इस मूवी को देना चाहूंगा कितने स्टार आप स्क्रीन पर देख सकते हो आउट ऑफ 5? तो यार दोस्तों देखो मुझे तो फिल्म अच्छी लगी है, और अगर आपका देखने का प्लान है तो प्लीज जा सकते हो, अगर गर्लफ्रेंड है तो प्लीज उसी के साथ जाना, और जा सकते हो दोस्तों के साथ भी, ऐसा कुछ नहीं है, फिल्म वाकई में अच्छी है। तो आपको कैसी लगी फिल्म, या वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बता दो यार। और भाइयों यार कसम से बोल बोल के ना थक चुका हूँ मैं, कर दो सब्सक्राइब यार, चलवा दो मेरा भी थोड़ा सा काम यार। और आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।